हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Neo 6 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो वाइब्रेट फोन नोटिफिकेशन सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाइब्रेट फोन नोटिफिकेशन सेटिंग जो है ना, इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, साउंड एंड वाइब्रेशन पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अगले पेज में नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा वाइब्रेट फोन नोटिफिकेशन, ठीक है। वाइब्रेट फोन नोटिफिकेशन इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये जो बटन दे रखा है ना, इस बटन को सिलेक्ट करना है तो आपकी सेटिंग जो है ना ये इनेबल हो जाएगी, ठीक है। अभी सेटिंग जो है ना इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब भी आपके मोबाइल फोन पर कभी भी नोटिफिकेशन आएगा ना, तो आपका मोबाइल फोन वाइब्रेट करेगा नोटिफिकेशन आने पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइब्रेट करेगा, नोटिफिकेशन की साउंड को भी क्रिएट करेगा आपका फोन, लेकिन अगर साउंड के साथ साथ ना आपका फोन वाइब्रेट भी करेगा, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है आपकी वाइब्रेट फोन नोटिफिकेशन सेटिंग इनेबल होने के बाद, ठीक है। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि कैसे आप इस वाइब्रेट फोन नोटिफिकेशन सेटिंग को ना अपने मोबाइल फोन में आप शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो वाइब्रेट आपका जो ये सेटिंग पेज है ना मोबाइल फोन का, इसे आपको फिर से ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को फिर से ओपन कीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन आपको मिलेगा सर्च आइकन, सर्च आइकन पर सिलेक्ट करना है और यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है वाइब्रेट फोन नोटिफिकेशन, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है यहां पर आपको पूरा पूरा टाइप कर देना है इस तरीके से, तो आपको जो है ना नीचे की साइड ऑप्शन मिल जाएगा वाइब्रेट फोन नोटिफिकेशन, ठीक है। इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर सिलेक्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहां पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड यह ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये नीचे की साइड ऑप्शन शो हो जाता है ना, इसे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली ना आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में आपको लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का।